अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट और इना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फोर ईच लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वीबी डॉटनेट में, उसका क्या स्ट्रक्चर है जावा में और सी शार्प में। तीनों में फोर ईच लूप लिखेंगे और देखेंगे उसका सिंटैक्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हम वीबी डॉटनेट में आते हैं, विजुअल स्टूडियो में लेते हैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से ले लेते हैं विजुअल बेसिक और कंसोल एप्लीकेशन, ओके कर लेते हैं। तो वीबी डॉटनेट में हम क्या करते हैं, अगर हमने एक अरे डिक्लेयर करनी है तो हम लिखते हैं डिम, नाम लिखते हैं एन अरे, और इस तरह से पैरेंथेसिस लिखेंगे और एज इंटीजर, इस तरह से हम अरे डिक्लेयर करेंगे और इसके मेंबर्स को इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में करेंगे, कॉमा सेपरेटेड होंगे वो। तो ये हमारे पास एक अरे आ चुकी है, इसके आगे हम सेमी कोलन नहीं लगाते। अब हम फोर ईच लूप किस तरह से लिखते हैं, फोर लिखेंगे स्पेस दे के ईच लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ हम अपनी तरफ से लेंगे, हम लेते हैं आइटम, आगे लिखेंगे इन और आगे लिखेंगे अरे का नेम जो कि है एन अरे, इस तरह से एंटर करेंगे और नीचे नेक्स्ट आ जाएगा। तो इतना काम करने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हुआ। अब हम यहाँ पे कोड लिख देंगे, सिंपली लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हमने जो आइटम लिखा है, एक वेरिएबल को हमने जो लिया है वो इसके अंदर लिया है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। तो इतना काम है वीबी के अंदर। अगर आप चाहें तो ये स्पेसिस को हटा सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है वीबी में फोर ईच लूप का। करते हैं स्टार्ट इसको यहाँ से। तो अब देखिए, ये हमारे पास ये फोर ईच लूप है, यहाँ पर हमने फोर ईच लूप चलाया और हर लाइन के अंदर एक नंबर जो था हमारा एक नंबर प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं इसको सी शार्प के अंदर, उसी तरह से आ जाते हैं अपने वीडियो स्टूडियो में, यहाँ पर ले लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट, आ जाते हैं सी शार्प में, यहाँ पर लेते हैं कंसोल एप्लीकेशन और इसको ओके कर लेते हैं। सी शार्प का जो स्ट्रक्चर है वो आ चुका है, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। हमने यहाँ पर अरे बनानी है इंटीजर्स की, इंट लिखेंगे, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे, अरे का नाम रखेंगे एन अरे रख लेते हैं, और यहाँ पर इसके जो मेम्बर्स हैं उनको हम इसी तरह से कोमा सेपरेटेड डिफाइन कर देते हैं, पाँच हैं, इसके आगे सेमी कोलन आएगा इस तरह से। और अब यहाँ पर इसको हम लेते हैं अपने कंसोल के ऊपर, यहाँ पर फोर इंच इस तरह से चलेगा, लिखेंगे फोर इंच, इसके अंदर स्पेस नहीं आएगा, इस तरह से लिखेंगे इंट, यहाँ पर कोई से भी हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करता हूँ नम, यहाँ हम उसी तरह से आइटम यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे इन और अरे का नाम जो कि है एन अरे, इसके बाद इस तरह से हमारी आ जाएंगी कर्ली ब्रेसिस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन इस तरह से, और इसके अंदर यही वाला जो आइटम है जो हमने लिया था अपनी तरफ से एक वर्ड, ये आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि हमारा जो सी एम डी है कंसोल है वो ऑटोमेटिकली क्लोज ना हो जाए। इतना काम करने के बाद इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट। तो ये भी उसी तरह से हमारे पास जो इसके सारे मेम्बर्स थे इस अरे के, वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर हम इसके अंदर लेते हैं अपनी एक और अरे जो कि है करेक्टर की, तो हमने सिंपली इसको करना है सी एच ए आर इस तरह से, और यहाँ पर हमने इसको करेक्टर्स दे देने हैं, सिंगल कोटेशन में भी दे सकते हैं, डबल में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से दे देते हैं ए, इस तरह से दे देते हैं बी, इस तरह से हम इसको सी और डी भी दे देते हैं। अब इसको देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे पास ये ए बी सी डी इस तरह से कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। ये हमारा फोर ईच लूप का स्ट्रक्चर है सी शार्प के अंदर। तो आइए अब चलते हैं जावा वाली साइड पे और जावा में देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। तो हम आ गए हैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर, यहाँ पर उसी तरह से हम इंट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और नाम रखेंगे एन अरे अपनी अरे का इस तरह से इसके जो मेम्बर्स हैं उनको डिक्लेयर कर देंगे, और यहाँ पर सेमी कोलन आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, फोर लिखेंगे और इस तरह से हम लिखेंगे इंट, और कोई भी अपनी तरफ से एक वर्ड ले लेंगे, जैसे कि मैं वही आइटम ले लेता हूँ। सी शार्प में और वीबी डॉट नेट में हमने इनका लफ्ज़ यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे कोलन, और यहाँ पर जो अरे का नाम है वो लिखेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से कर्ली ब्रेसेस, और इनके अंदर हमारा कोड आ जाएगा। तो ये चीज़ है कि इस तरह से आपने लगाना है, ये हमारा स्ट्रक्चर है जावा के अंदर, इनकी जगह बस ये कोलन यूज़ हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाली आइटम। तो ये चीज़ हो चुकी है, अब हमने इसको रन करना है, कंपाइल कर लेते हैं, अपनी फाइल का नेम देते हैं
और यहाँ पर अपनी फाइल को रन करते हैं। तो अब ये देखिएगा नीचे टर्मिनल में हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है इजीली। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने देखा अपने वीबी के अंदर फोरिच लूप का किस तरह से लिखा जाता है, उसके बाद हमने देखा सी शार्प के अंदर फोरिच लूप को किस तरह से लिखा जाता है, और उसके बाद हमने देखा जावा के अंदर फोरिच लूप को किस तरह से लिखा जाता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कम्फर्ट अरिना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।